लोग कहते हैं कि पेशा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन हम कहते हैं कि आप भगवान पर यकीन रखो, विश्वास रखो, आपका बुरा वक्त ही कभी नहीं आएगा। जी दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, धनुराशि वालों, दोस्तों हो जाइए सावधान, क्योंकि 6 जनवरी 2023 को आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं होने वाली हैं दोस्तों, जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएंगी। जी दोस्तों, यह घटना आपका सब कुछ बदल कर रख देंगी, तो ऐसे में आप भविष्य में रहते सावधान हो जाइए, नहीं तो बाद में आपको ही पछताना पड़ सकता है। जी दोस्तों, तो आज की पूरी वीडियो आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे का समय, यानी कि 6 जनवरी 2023 का दिन आप सभी साथियों के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आज के दिन ग्रहों की स्थितियां कैसी रहेगी, क्या क्या योग बनेंगे, इन सभी का श्राप आपके राशि फल पर कैसा प्रभाव पड़ने वाले हैं। दोस्तों, आज का दिन आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सी बड़ी घटनाएँ घटने वाली हैं। दोस्तों, कौन सी शुभ घटनाएँ तो कौन सी शुभ घटनाएं आज के दिन आपकी ज़िंदगी में होने वाली हैं, तो आज आप लोगों को क्या क्या सावधानियां भी रखनी पड़ेगी, कौन सी गलतियों को करने से आज के दिन आपको बचकर भी रहने की काफ़ी आवश्यकताएं होंगी, और साथ ही आज आप लोगों को कौन से कार्यों को भी करने से सावधान और बचकर रहने की काफ़ी आवश्यकताएं होंगी, और साथ ही बात करेंगे आज के दिन आपके जीवन काल में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी भी लेकर आ रहे हैं, तो कौन कौन से बड़े परिवर्तन में आपके ज़िंदगी में होने वाले हैं, और साथ ही आज के दिन आपके बिजनेस व्यापार कैसे रहेंगे, आपकी नौकरी कैसे रहेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसे रहेंगे, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आर्थिक स्थिति कैसे रहेंगे, करियर उदाहरण को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगी, घर परिवार का माहौल कैसे रहेंगे, और विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। दोस्तों, सारी की सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हम आप सभी को पूरी विस्तारपूर्वक से बताएंगे, तो आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल मिस ना कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आप सभी जातकों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही कारगर उपाय हम बताएंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इस उपाय को आने वाले इन 24 घंटे के समय अवधि में कर लेंगे, यानी कि शुक्रवार के दिन कर लेंगे, तो दोस्तों मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी की हर एक समस्याएँ, हर एक परेशानियाँ हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी, और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद हमेशा आप सभी जातकों के ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, उससे पहले माता रानी के सभी सच्चे और प्यारे भक्त इस वीडियो को अभी का अभी अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, आपकी सारी मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण होंगी और आपकी ज़िंदगी की हर एक परेशानियां भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं सबसे पहले इस दिन की पंचांग। दोस्तों, इस दिन शुक्रवार का दिन है, और दोस्तों शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का पावन दिन रहने वाला है। दोस्तों, पौष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि सुबह 4:37 के उपरांत पड़ती पौधा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, और दोस्तों पूर्णवाशु नक्षत्र का निर्माण होने जा रहे हैं। और दोस्तों, शिव की बात करें दोस्तों, ब्रह्म योग सुबह 8:10 के उपरांत इंद्रयोग प्रारंभ हो जाएगी, और दोस्तों राहुकाल के समय की बात करें, 48 दिन का बेहद अशुभ समय की बात करें दोस्तों, सुबह 11:12 से लेकर के दोपहर 12:32 तक रहेंगे। दोस्तों, यह समय अंतराल में आप लोग अपने जीवन काल में कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल ही भूल से प्रारंभ ना करें, अन्यथा आपके शुभ कार्य में विघ्न एवं बाधाएं भी पड़ सकती हैं। और दोस्तों, अब जीवन समय की बात करें, 48 दिन का बेहद शुभ समय की बात करें दोस्तों, दोपहर 12:32 से लेकर के शाम 1:52 तक रहेंगे। दोस्तों, यह समय अंतराल में आप लोग अपने जीवन काल में कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल ही प्रारंभ कर सकते हैं। और दोस्तों, सूर्य धनुराशि पर है, और दोस्तों चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेंगे पूरा दिन और पूरा रात। तो दोस्तों, ऐसे में समस्त ग्रहों की चाल आपके राशि फल पर कैसा प्रभाव पड़ने वाले हैं दोस्तों, आपको हम सारी जानकारी बताएंगे विस्तारपूर्वक से, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, समस्त ग्रहों की चाल से और माता लक्ष्मी की कृपा से आने वाला यह दिन आप सभी जातकों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। दोस्तों, आज का दिन बदलाव के नाम रहेंगे, आपकी मुलाकात कुछ ऐसे व्यक्ति या फिर आदमी से हो सकती है जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलावों का या तो खुद कारण बनेगा या फिर बदलाव लाने वाले लोगों से मुलाकात का माध्यम भी बनेगा। हालांकि सभी बदलाव आपके लिए अच्छे तो नहीं रहेंगे, इससे पहले कि आप बदलाव को स्वीकार करके आगे बढ़ें, आपको यह भी देखना होगा कि क्या यह बदलाव आपके लिए आने वाले समय में लाभकारी साबित होंगे या फिर नहीं होंगे।
जी हाँ दोस्तों, और करियर के मामले में आज का दिन आपके लिए शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। आज का दिन व्यापार में अच्छे परिणाम वाले रहेंगे। और विद्यार्थियों ने यदि किसी परीक्षा को दिया था तो आज उसके परिणाम आ सकते हैं, जिसमें आपको सफलता तो अवश्य ही मिलेंगी। और कार्य क्षेत्र में आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको चिंता करने की और डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। यह समस्या आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा दिन तक तो नहीं रहेंगी, परंतु कुछ समय के बाद यह अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। और भूमि संबंधी किसी सौदे को लेकर आज चर्चाएं भी हो सकती हैं, लेकिन सतर्कता बरतें, नहीं तो कुछ समस्याएं भी आज हो सकती हैं। और नौकरी पेशा वर्ग में आज बॉस का सख्त रवैया दिखेगा, जिसके फलस्वरूप कर्मचारी अधिक मेहनत करते दिखेंगे और काम भी आज तीव्र गति से होता दिखेगा। और धन की दृष्टि में अगर देखा जाए तो आज आपके ज़िंदगी में अप्रत्याशित धन की प्राप्ति हो सकती है। आज का दिन लॉटरी और सट्टा बाजार के लिए भी आपके लिए समय लाभप्रद है, परंतु ये धन लाभ कई तरह की जिम्मेदारियां भी आज साथ लेकर आएंगी, जिसे आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। और आपको इस पैसे के संबंध में आज एक महत्वपूर्ण काम का निर्वहन भी करना पड़ सकता है। इस अप्रत्याशित उपहार की वजह से आज आप कुछ हल्की फुल्की खरीदारी भी आज कर सकते हैं, जिनसे आपको भी आज अच्छा लगेगा। और दोस्तों, अगर आर्थिक दृष्टि में देखा जाए तो आज आर्थिक उन्नति के कई अवसर भी आपके लिए खुलते जाएंगे और धन आगमन के शुभ योग भी आज बनेंगे। हालांकि काम धंधे के समय व्यापार में व्यापारिक तनाव की स्थिति रहेंगी। अधिक बिक्री करने के लिए कुछ कमजोर पार्टियों पर उधार में दिए गए माल का पेशा आज फंसता दिखेगा, और जिसके कारण आपका मानसिक तनाव भी आज हो सकता है। और आज किसी भी अल्प परिचित पार्टी को उधार में माल देने से बचे, नहीं तो आपका यह भी माल डूब सकता है। और आज दैनिक व्यापारियों के लिए आजीविका के क्षेत्र में प्रगति होंगी और कमीशन आधारित काम अच्छे भी चलेंगे। इस राशि के नौकरी करने वाले जातकों का आज काम ऑफिस में सुचारू रूप से चलता रहेगा और समय पर ख़त्म करने की आप कोशिश भी करेंगे। और अगर स्वास्थ्य की दृष्टि में देखा जाए दोस्तों, आज आप लोगों को कोई नस खिंचाव की समस्याएं हो सकती हैं। गर्म तिल के तेल से मालिश करें और शिकायत करना सही रहेगा। सुबह उठकर योग व ध्यान करना आप सभी के लिए फायदेमंद भी साबित होगा और इस दर्द से आपको राहत भी मिलेगा। और दोस्तों, अगर घर परिवार के माहौल में देखा जाए दोस्तों, आज पारिवारिक मामले में आपके लिए दिन बहुत ही सुखद रहने वाला है। दोस्तों, आज पति पत्नी के बीच रिश्ते मजबूत रहेंगे और आज आप लोग कहीं बाहर भी खाने जा सकते हैं। और आज ससुराल पक्ष से पर्याप्त मात्रा में धन हाथ लग सकता है और भाइयों के साथ आज किसी भी मांगलिक कार्यक्रम को लेकर चर्चा भी आज कर सकते हैं। सायंकाल के समय माता पिता के साथ किसी भी धार्मिक स्थल पर आप लोग जा सकते हैं। और अगर लव लाइफ की बात करें तो आज आपसी समय बढ़ाने की काफ़ी आवश्यकताएँ होंगी, अन्यथा भावनात्मक तौर पर बेचैनी अधिक आज रहेंगे। जी दोस्तों, चलिए बात करते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर अगले 24 घंटे के अंदर आने की शुक्रवार के दिन आप लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए जो कि आपकी ज़िंदगी के तमाम तरह की परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप सभी जातकों के ऊपर बनी रहे। दोस्तों, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करना चाहिए, क्योंकि यह रंग माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। इसलिए शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, आटा, चीनी, दूध, दही का दान करना चाहिए। दोस्तों, इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हरे मनोकामनाएँ भी जल्दी ही पूर्ण करते हैं और भक्तों के जीवन काल में जो समस्याएं चल रही थी उनसे भी उन्हें हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति भी दिलाती हैं और उनकी कृपा हमेशा उनके ऊपर बनी रहती है।